उस लड़के का नाम क्या था दिनेश जी? दास लड़की पापी, पापी नाम था। बिना बताए लाइव ऑन। जय श्री राम साथियों, जय श्री राम। आप फटाफट में जुड़ जाएं। जय श्री राम दिनेश जी, विक्की चारण, दिनेश पटेल, राजू पटेल, जय श्री राम। जय श्री राम भाई हिंदू, जोगेंद्र आंजना, महेंद्र प्रजापत भाई, इसको शेयर करें वीडियो को। आज कोई हंसी मजाक के लिए लाइव नहीं आए हैं, या कोई दूसरे टॉपिक का लाइव नहीं है, किसी की कटाक्ष वगैरह नहीं है। पटेल एनसी चौधरी, जय श्री राम, कैसे हो? जय महादेव की, बिहार डारा। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद। 131 लोग, फटाफट आप लोग जुड़ जाए। और एक विशेष सूचना देने के लिए जा रहा हूँ मैं, चौकीदार दिनेश भाई, इसको शेयर करें दूसरे ग्रुपों में। जी हाँ चौधरी, धन्यवाद भाई, वेलकम के लिए धन्यवाद। बाबू पटेल, आप सभी से निवेदन करता हूं, पहले ये वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल, आप दूसरे ग्रुपों में शेयर करें इस वीडियो को। 200 लोग जुड़ गए, धन्यवाद आपको। बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में इसको शेयर करें। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं कभी भी ये सब चीजें मैं फेसबुक लाइव में नहीं बताता हूं, पर अब अनिवार्य हो गया है कि आप है जो इस मेरे लाइव को जल्दी से जल्दी शेयर करें, जितने हो सके उस ग्रुपों में शेयर करें। भगराज जी, नानांडी वाले नेता जी, अब तो आप भी थोड़ी आंख खोलो, 2000 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करो। बिल्कुल, आप सबको धन्यवाद। 276 लोग। हितेश जल्दी शेयर करो भाई, गोपाल को बोल थोड़ा वीडियो शेयर करें ना, लाइव वाला, क्योंकि वो समाज की बच्ची गई है ना। बिल्कुल दिनेश भाई, भाई हूँ। धर्माराम जी बोका, दोनों तरफ आप क्या यार, वो धर्माराम जी का ही कमेंट था ना, ओम जी अभी देख रहे थे ना। बोका सरकार, दोनों तरफ कमेंट ना किया करें। यू अच्छा, उदाराम जी जालोर, आप भी इसको जल्दी से जल्दी है जो शेयर करें। मैं आपको एक विषय बताने जा रहा हूँ, फोटोज वगैरह सब बता रहा हूँ। मामला कल रात का है, आज दिन भर में तकरीबन हमारी जहाँ जहाँ भी बनी, हमारी जहाँ भी लिंकेड थे, जितने भी जिस जगह पर अंदेशा था, हम भाई लोग जो साथ में हैं सब लोग गए थे। जय श्री राम। बिल्कुल, ये मेरे भाई जीतू सैनी सिटी से हैं, गहलोत हैं, ओम जी सो। और बनासिरी नाम बताए परिचित हो? विकास सिंह चारण। विकास सिंह जी चारण और ओम जी देवासी रोहित, इनको सब जानते हैं। आप लोगों ने भी मदद की है, पर अभी आप लोगों को जरूरत है कि आप इस वीडियो को शेयरिंग में लगाएं, ताकि पता चले। मैं अब उस लड़के का नाम बताने जा रहा हूं और फोटोज, उसका नाम है पूनम दास वैष्णव, जो कि सांवले रंग का है और 20 या 21 साल उसकी उम्र है और हमारे समाज की बच्ची है, हमारे समाज की बच्ची है, जिसको लेकर के कल रात में वो गायब हुआ था। आज दिन भर सोशल साइट में चला था, सोशल साइट में सब जगह चल चुकी है वो बात। अब अगर उसके परिचित या कोई भी उसके मिलने वाले हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो लोग इस वीडियो को शेयर करें। और हरीजी भाई साहब, ये बहुत अनिवार्य है। मैं मेरे हिसाब से मैंने कई जगह पर देख लिया है, उसके बाद ही मैं लाइव आता हूँ। आप सबको मैं पहले उस लड़के का फोटो बताता हूँ। और भाद्रा जून से हमारी बच्ची, समाज की बच्ची है, तो कान खोल के अगर सुन ले, अगर कोई उसके हितेशी अगर बात करते हैं और उन सबको कोई पनाह देता है, कोई चरण देता है, कोई टो देता है, ध्यान रहे समाज के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि समाज के लिए मर मिटना पड़ेगा तो मरूंगा मिटूंगा, पर हमारी बहन बेटी को अब तेरे साथ नहीं रहने दूंगा। तो अगर उसके साथ देने वाले कोई साथी है तो ऐसा चूतियापा भूल के भी नहीं करें। हाँ बिल्कुल, लोकेशन जोधपुर की थी और पूरा जोधपुर हम लोगों ने खंगाल दिया और ग्रुपों में मैंने बता दिया। संपजी पूनिया धन्यवाद, संपजी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मदद करें, आप भी हमारे अच्छे भाई हैं।
ये उस लड़के का फोटो है, मैं आप सबके सामने बता दूं, ये काला कलूटा सा लड़का है जिसकी भादरा जून में, ये लड़का है जिसके पास पल्सर बाइक है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और इस लड़के ने भादरा जून से जो किराने की दुकान हमारे समाज की बच्ची जो चला रही थी भादरा जून, ये आप गौर से देख सकते हैं इसको ग्रुप में, हालांकि फोटो आ चुका है, पूनम दास वैष्णव इस लड़के का नाम है और हमारे समाज की बच्ची है, उसका भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये लड़की है, जहां कहीं भी आप लोगों को दिखे, तकरीबन 900 लोग आप लाइव देख रहे हैं, आपको धन्यवाद है, कोई फालतू बकवास नहीं हो रही है, बिल्कुल शेयर करें इस बात को। ये है लड़की का फोटो, भाई पूरा राम चौहान, ये है इस लड़की का फोटो और ये उस लड़के की आईडी है, ये उस लड़के की आईडी है पूनम दास वैष्णव। जहां कहीं भी ये लड़का दिखे, ये है उस लड़की का फुल फोटो। ये किराने की दुकान चलाती थी और इस लड़की को बेला फुसला करके ये लड़का लेके आया है। लड़की ना समझ है और लड़का भी उतना वो चीज में नहीं है परिपक्व। अब आप लोगों को बता दूं, 1000 लोग देख रहे हैं, धन्यवाद आपको। फिर से मैं फोटो दिखा देता हूं जूम करके, ये लड़का है और जहां कहीं भी अहमदाबाद, मुंबई, पूना, नासिक, जहां कहीं भी शिरडी, इसके संभावित अगर ये कहीं भी इसके, देखिए गौर से, बंदर टाइप ये लड़का है और मेरा गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे है। और मैं इसके परिवार के सदस्य भी अगर कोई लाइव देख रहे हैं मेरा, तो पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा और निवेदन के बाद भी अगर नहीं माने वो लोग, तो फिर देह दनादन वाला मामला हो जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेयर करें, भादरा जून की लड़की है, हमारे समाज की बच्ची है और एक कुत्ता कोई बीच में आ गया है, उस कुत्ते को मालूम नहीं है कि हम तुम्हारे बाप हैं। बिल्कुल इसका ब्लॉक कर दिया मैंने, ऐसे लोगों के बिल्कुल। जेताराम धन्यवाद, महंत गोविंदपुरी जी आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल मैं मेरे लेवल से, मेरे हिसाब से मैं बच्ची को ढूंढ रहा हूं, पर लाइव आने का अर्थात ये था, कान खोल के सुन ले, उसके अगर कोई साथ देने वाले एक दो बंदा कोई अगर सुन रहा है या फिर लाइव को शेयरिंग में लगाएं ताकि वो सुन भी लेंगे। अगर 2 दिन के अंदर अंदर बच्ची, आज का 1 दिन गया, कल के अंदर उसके परिवार को भी बोल देते हैं कि आप येन केन प्रकार से भी उस लड़के को घर पे बुलाएं, और अभी भी मौका है उनके पास, समय रहते सुधर जाए, वरना बच्ची को तो हम लाएंगे ही लाएंगे, अन्यथा जो लड़के को नुकसान होगा। बिल्कुल सोपू सत्यपाल सिंह सोपू, बिल्कुल जहां कहीं भी आपको ये लड़की और ये लड़का दिखे, तुरंत पुलिस को सूचना दें। मेरे नंबर 9982001008766566471, मेरे इस फोन पे भी सूचना दें। और भादरा जून में FIR दर्ज हो चुकी है, बिल्कुल कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, पर एक ऐसा ही कोई आ गया था। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं फिर से आपको फोटो दिखाता हूं उस लड़के का, ब्लैक कलर की पल्सर है, पल्सर का मैं नंबर बताता हूं आपको, ये लड़का है, ये नादान लड़का है और इसकी ब्लैक कलर की पल्सर बाइक है, मैं आपको नंबर बताता हूं। वीडियो को आप शेयरिंग में लगाएं, हमें हर हाल में हमारी बच्ची चाहिए, वरना अगर उसके उसको किसी तरह का नुकसान होता है लड़के को, तो फिर वो जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी। समय रहते अगर उस लड़के की पल्सर का बाइक है, जो पल्सर बाइक है उसका नंबर है RJ22SX, ये 3967 है ना, देखें एक बार, नहीं ये बाइक नंबर, बाइक नंबर है 3967। हाँ ये उसकी बाइक का नंबर है, आप नोट करें, RJ22
SX3967 ये उस लड़के की बाइक है। और आज सूचना मिली थी जोधपुर का, तो हम लोग 9 बजे से लेकर अभी तक प्रयासरत थे और बीच में काम भी था कोई एक जो शिवसेना को लेकर के कुछ छवन्ने बीच में आ गए। खैर उनको तो मैं मुंह लगाऊंगा तो मेरी खुद की बेइज्जती करनी है, बिल्कुल उन लोगों को मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। और बना आप थोड़ा सा बता दे इस मामले के बारे में, तो आपको क्या वक्त है आप अच्छे बोल सकते हैं ओम जी और आप दोनों। बिल्कुल ये सभी भाइयों को राम राम, विकास सिंह निम्बाज का निवासी भाइयों। पिछले एक वर्ष पहले एक माता पिता ने अपनी पुत्री का अक्षय तृतीया के दिन विवाह किया था बड़े ही अरमानों के साथ, राइट, वेरी गुड, कि वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी एक भले मानस के साथ शुरू करने वाली होगी। और वो लड़का जो आंजना समाज का है, वो नहीं, उस लड़की लड़का के वैष्णव है, लड़की जिसने लड़की से विवाह किया वो आंजना समाज का युवा, उस लड़की के सारे अरमान सारे सपने पूरे करने के लिए गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ कमाने गया और पीछे से इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने कुटिल विचारों को लेकर पूनम दास वैष्णव नामक इस कपूत ने इस सहनशील समाज की इस बच्ची को बहलाया पुसलाया, उसको झांसे में लिया। औकान की पूरी पूरी संभावना है लड़के को किसी भी प्रकार का आर्थिक या छुपाया नहीं जाए, रसद नहीं दी जाए और कानूनी सलाह भी नहीं दी जाए। कहीं भी ये लड़का दिखे, मेरे भी जो मित्र यहाँ पर हो वो देख रहे हो, भाई साहब श्रीमान नेमाराम जी हिंदू को सूचित करे। आज इन्होंने पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब जोधपुर का हर एक हिस्सा, सारा कोर्ट कचहरी, वकील और आर्य समाज अन्य जगहों पर छापे मारे और इन्हें ढूंढने का प्रयास किया, परंतु लगातार सघन तलाशी ले रहे हैं संभावित जगहों की और होटलों की। इसलिए राम राम। बिल्कुल ओम जी। जय जय राजस्थान। आप सभी भाई जितने जो बाहर है, मद्रास, पूना, मुंबई वगैरह, ठीक है ना, बोलो ना। कल जो निकले थे यहाँ से, समय लगभग क्या समय था? शाम की समय से निकले थे, मतलब मुंबई में आज शाम को पहुंच सकते हैं वो, या फिर मुंबई से आगे हैदराबाद जाते तो टाइमिंग नोट करके एक बार रेलवे स्टेशन में जाके इनको जरूर चेक करें आप सभी भाई, ताकि वो मिल सकते हैं। अगर मिल जाए, क्योंकि जाट भाइयों से निवेदन, सभी जाट भाइयों से भी निवेदन है, 36 कौम से निवेदन, क्योंकि किसी का घर बसा हुआ उस घर को उजाड़ना ये गुनाह है। अगर वो लड़की शादीशुदा नहीं होती तो हम भी आपसे अपील नहीं करते, मगर शादीशुदा होने के बाद में ये जो गांव में चौना छाप लड़के घूमते हैं वो उस लड़की को गुमराह करके लेके चले गए, क्या मालूम क्या हालात में गए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जहां जहां अपने नजदीक का जो रेलवे स्टेशन है वहां पे पाली से पकड़ लो ना कोई ट्रेन, पाली या जोधपुर जो ट्रेन आती है साउथ में वगैरह, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेन आती है उस टाइमिंग पकड़ के आप रेलवे स्टेशन पे जाके एक बार जरूर चेकिंग करें। और अपने आजू बाजू में कोई ये भादरा जून के वगैरह इसके कोई पाली जिले के कोई सदस्य रहते हैं तो उनके पास में जरूर आप दुकान पे भी जरूर चेकिंग करें, क्योंकि वहां पे आके ये लोग रह सकते हैं उनके कोई रिश्तेदार के उधर नजदीक। इसलिए आप सभी जरूर जाएं और इसकी तलाशी करें और जैसे आए उस भाई को सीधा पुलिस के सुपर्द करें, आप खुद पकड़ के भी सुपर्द कर सकते हैं। जय जय राजस्थान। ओम जी। करो नहीं रिक्वेस्ट देवासी भाई हूँ, बिल्कुल बोल दो ना तू। मैं ओम देवासी। जय श्री राम। सभी मित्रों को जो लड़की को भगाकर लेके गए हैं उन जहाँ भी हो, पुणे हो, मुंबई हो, चाहे साउथ में हो, आप सभी ध्यान रखें और देखते ही सूचना नेमाराम जी हिंदू को दे और जहाँ मिले जहाँ भी देखे आप हर जगह नजर रखे, कहीं भी दिखे तो आप नेमाराम जी हिंदू को संपर्क करें। बिल्कुल आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि पिछली अक्षय तृतीया के जैसे अभी तरण साहब ने बताया कि बड़े अरमानों के साथ में उस लड़की को जो ब्याया, जो उसकी शादी की, इतनी खुशियों के साथ में वो सब किया और अब बहला फुसला करके हमारी बहन बेटी को अगर कोई टारगेट बनाता है, कोई निशाना बनाता है। मैं कल पहुंच रहा हूं भादरा जून और वहां आने के बाद FIR की कॉपी मेरे पास आ चुकी है और बिल्कुल ये बात आपने सही लिखी भाई किशोर भाई, बिल्कुल ये विवादित टीका टिप्पणी नहीं करें और आपकी बात से सहमत हूँ। ललिता बहन को प्रणाम, जय श्री राम। और जैसे ही सूचना मिले आप कोई भी भाई हो, कल के दिन ये घटना आपके साथ नहीं घटे, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आप सब लोग साथ देवें
और तुरंत में ये सब सोशल साइट पे चल चुका था। बाकी ऐसे विषयों को लेकर के मैं लाइव नहीं आता हूँ, पर जहाँ कहीं भी आपको ये वीडियो शेयरिंग में लगाएं, सूचना दें, और ये एक पुण्यार्थ का काम है। उसके लड़की के माँ बाप आपको बिल्कुल आपको जो ऐसा आशीर्वाद देंगे आपको मालूम भी नहीं है, पर ऐसी घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए आज मुझे मजबूरन लाइव आना पड़ा। मजबूरी मेरी ये थी कि मैंने जोधपुर में जितने भी आर्य समाज की संस्थाएं हैं वहां पर इन्फॉर्मेशन हम लोग दे चुके हैं, संबंधित थानों में बता चुके हैं, फोटो दे चुके हैं, बिल्कुल लड़का लड़की पकड़ में तो आने ही हैं। बिल्कुल वो पकड़ में तो आने ही हैं। और बिल्कुल आप वापी हो ओम प्रकाश देवासी, बिल्कुल आप ध्यान रखना। बस अड्डा हो, हवाई अड्डे की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना कैपेबल लड़का नहीं है, सक्षम नहीं है। कुछ कुत्ते भौंकने के लिए आ जाते हैं और मैं यार क्या है बोलना पड़ता है। बिल्कुल लोकेशन ट्रेस करवा रहे हैं, नंबर उस लड़के के बंद है, बाकी नंबर उसके पास है नहीं। मैं जोधपुर हूँ और आप सभी को धन्यवाद, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग में लगाएं। धन्यवाद आप सभी को, वंदे को मातरम। फोन पर बताओ आपने भेजी आपका सबसे बड़ा फ्रेंड एसपी टाइगर सुनील प्रजापत, धन्यवाद मेरे भाई, बिल्कुल धन्यवाद। जो पुणे से हैं कहें मुझे मालूम है, मैं ये सब चीजें पापा का नाम वगैरह नहीं बता सकता, भाजराज उनकी लड़की है और बता चुका हूं कि आंजना समाज की है। और एक भाई ने लिखा था कि दास लगाने से नहीं होता है, तो वो उसकी रियल आईडी है और उसके भाई को पुलिस ले जो है गिरफ्त में ला चुकी है। और भी हम हमारी का, जो कार्य होगा वो हम करेंगे, पर आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयरिंग में लगाएं और साथ देवे। धन्यवाद।